क्रॉनिक लिवर डिजीज। ओके, क्रॉनिक लिवर डिजीज एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स स्पेक्ट्रम, देन एटियोलॉजीज एंड पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड कॉम्प्लिकेशन। तकरीबन एक ही चीज होगी क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ही मैनिफेस्ट करेंगी। देन देयर मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट स्कोरिंग या ग्रेडिंग, हिस्ट्री टेकिंग एंड CLD एंड एग्जामिनेशन, बोथ GP एंड लोकल एग्जामिनेशन। ओके, वट इज क्रॉनिक लिवर डिजीज? क्रॉनिक लिवर डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ लिवर फंक्शन फॉर मोर देन 6 मंथ। सो लीवर के जो फंक्शन होते हैं, चाहे वो सिंथेटिक हों या मेटाबॉलिक हों, वो प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेट करें, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वर्स होते रहे हैं, और वो लीवर फंक्शन कितने टाइम तक? मोर देन 6 मंथ, देन इट विल बी रेफर्ड एज CLD। अब कौन सी वो डिजीजेज हैं जो इस क्राइटेरिया के ऊपर फिट आ सकती हैं? क्रॉनिक हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हो या नॉन इन्फेक्शियस हो, लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये तकरीबन सेम सीक्वेंस को ही ऐसे फॉलो करके ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाती हैं। दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हमारे पास ये हेल्दी लीवर होता है, इसकी सर्फेस बिल्कुल ऐसे स्मूथ होगी और कोई इसका आर्किटेक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई फाइब्रोसिस नहीं होगी। जब इसके अंदर थोड़ी सी रफनेस आती है, दैट इट विल बी रेफर्ड एज हेपेटाइटिस और इन्फ्लेम्ड लीवर। और फिर इसके अंदर कोलेजन की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है और इसका आर्किटेक्चर भी थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, दिस इज गॉलब्लैडर। ये हमारे पास आ जाती है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के बाद हमारे पास जब वही फाइब्रोसिस एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस, देन इट विल बी रेफर्ड एज सिरोसिस। और फिर ऑटोनोमस सेल की प्रोडक्शन होने से कार्सिनोमास डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ओके, कॉमनली इटियोलॉजीज लाइक हेपेटाइटिस, अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या मेटाबॉलिक, ये कॉमनली इटियोलॉजीज होती हैं जो कि 6 मंथ तक इसके लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ओके, व्हाट इज पैथोजेनेसिस? पैथोजेनेसिस इज एक्चुअली 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। वो जो हमने नॉर्मल लीवर देखा था, जब उसके अंदर ये थोड़ी सी हमें रफनेस नजर आ रही है, इट इज रेफर्ड एज क्रोनिक हेपेटाइटिस, ये स्टेज 1 है। कोई भी जो इटियोलॉजीज हैं वो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन या हेपेटाइटिस काज कर सकती हैं। देन वी हैव स्टेप 2। स्टेप 2 इज फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्यों होती है? लीवर इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमल या हेपेटोसाइट सेल्स एंड नॉन पैरेन्काइमल, जिसमें I2 आर स्टीलेट सेल्स, जिनका नॉर्मल फंक्शन होता है टू स्टोर द विटामिन ए, नॉर्मली दे स्टोर विटामिन ए। कफर सेल्स आर एक्चुअली द लीवर मैक्रोफेजेस एंड साइनोसॉइड, जो लीवर के अंदर साइनोसॉइड्स होती हैं उनकी जो लाइनिंग एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो साइनोसॉइडल एंडोथेलियल सेल्स आ जाते हैं। अब वो डिफरेंट इटियोलॉजीज की वजह से पैरेन्काइमल सेल्स की इंजरी होती है या नॉन पैरेन्काइमल सेल्स की इंजरी होती है। मेन जो सेल्स हैं वो ये हैं, और भी मैकेनिज्म्स हैं बट मेन यही हैं। ये जो I2 और स्टीलेट सेल्स होते हैं, ये क्रोनिक जो इंसल्ट होती है उसकी वजह से ये चेंज हो जाते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट में, और जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो फिर कोलेजन डेपोजिशन या फाइब्रोसिस करना शुरू करते हैं, और स्टेज 2 हमारे पास जो आ जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज सिरोसिस? यही फाइब्रोसिस जो हमारे पास हो रही होती है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये जब क्रोनिक स्टेज में चली जाएगी और बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगी, एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस, और साथ में हमारे पास आर्किटेक्चर लीवर का जो नॉर्मल जो आर्किटेक्चर होगा, जिसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं और पोर्टल ट्रायर्स होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और साथ में वाइड स्प्रेड रीजेनरेटिव नोड्यूल्स, लाइक ये जो नोड्यूल्स हैं ये बनना शुरू हो जाएंगे। देन ये जो क्राइटेरिया होगा, इसको जब ये फुलफिल होता है, देन इट विल बी रेफर्ड एज सिरोसिस। सो सिरोसिस इज नथिंग बट एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर है। इस आर्किटेक्चर के डिस्टर्ब होने की वजह से एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस में सबसे पहले ये होता है लीवर के अंदर, ये जैसे स्प्लीनिक वेन आती है और स्पीरियल मेसेंटेरिक वेन, इससे बनती है पोर्टल वेन, ये हमारे पास पोर्टल वेन आती है। जब ये आर्किटेक्चर डिस्टर्ब होता है तो पोर्टल वेन की ड्रेनेज नहीं हो सकती इनटू द इंफीरियर वेना केवा, जो यहाँ से जा रही होती है ये हेपेटिक वेन के थ्रू। अब पोर्टल जो ब्लड आएगा वो आएगा, लेकिन वो ड्रेन नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा एंड रेफर्ड इज पोर्टल हाइपरटेंशन। इसकी वजह से बहुत सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे विच वी विल सी लेटर, और साथ में हमारे पास ये होगा कि एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से लीवर के जो सिंथेटिक फंक्शंस हैं, लाइक डिफरेंट प्रोटीन्स बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, या मेटाबॉलिक और डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन है जिसमें ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म है और हमारे पास यूरिया साइकिल है, ये सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी और उसकी वजह से डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगी। तो सिरोसिस में मेनली यही 2 पैथोजेनिक मैकेनिज्म होते हैं जिससे बहुत सारी उसकी कॉम्प्लिकेशन या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आती है। सो दिस विल बी द स्टेप 3। और लास्टली, जब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द लीवर सेल होना शुरू हो जाती है, चाहे वो सिरोसिस की ऊपर हो, सुपरसीड कर रही हो, या हमारे पास विदाउट सिरोसिस हो रही हो, दैट कैन डेवलप इनटू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। यहाँ पे ये 4 स्टेजेस जो होते हैं पैथोजेनिक के कंप्लीट हो जाते हैं, देन अगर नहीं करेक्ट करेंगे तो लीवर फेलियर एंड डेथ कैन अकर। ओके, नाउ द इटियोलॉजीज, हमने जो ये एक इटियोलॉजीज लेकर चलनी है वो है निमोनिक इज VW हैपेंस, ठीक है? एवरी लेटर एक्रोनिम है, वो एक इटियोलॉजी को शो करेगा।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आगे जो पूरा जो सीएलडी का एक लॉन्ग केस है या पूरा ये जो डिजीज है इसको इन्हीं के हिसाब से लेके चलना है। सो अभी हमने सिर्फ इनकी इटियोलॉजीज को देख लिया, ये है, अब इनकी पैथोजेनेसिस को हम देख लेते हैं। वी स्टैंड फॉर वायरल हेपेटाइटिस, और कौन सी हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस बी एंड सी ओनली, यही सिर्फ क्रॉनिक लिवर डिजीज करती है। ए ई एंड डी डोंट कॉज द क्रॉनिक, दे आर एक्यूट हेपेटाइटिस। सो ये आ जाती है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज इज नथिंग बट डेपोजिशन ऑफ द कॉपर। वाई कॉपर इज डिपॉजिटेड? बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि एक्सक्रीट नहीं होता क्योंकि कॉपर के साथ एक बाइंडिंग प्रोटीन होती है, कॉपर को जो बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रीट कराती है, दैट इज कॉल्ड एज सेरुलो प्लाज्मिन। ये रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट होगा, सेरुलो प्लाज्मिन। सेरुलो प्लाज्मिन की डेफिशिएंसी की वजह से अब कॉपर एक्सक्रीट नहीं होगा, तो कॉपर बिल्डअप हो जाना शुरू हो जाएगा वन इन द लिवर। लिवर में जब डिपॉजिट होगा वही इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस और सिरोसिस कास करेगा, एंड दैट कैन लीड टू सीएलडी, सिरोसिस और सीएलडी सिंपली एनी डिजीज। अच्छा, फाइब्रोसिस हो रही है अगर 6 मंथ, दैट इज ऑल्सो सीएलडी। कैंसर है, दैट कैन बी सीएलडी। तो सीएलडी में वो चारों में से कोई भी डिजीज हो सकती है। देन कॉपर कैन बी डिपॉजिटेड इन द ब्रेन, इट कैन कॉज एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, और वो हम सिम्टम्स में देखेंगे। देन इन द आईज, इन कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर कैजर फ्लेशर रिंग हमारे पास बन जाती है। सो दैट इज द पैथोजेनेसिस इन विल्सन डिजीज विच कैन कॉज सीएलडी। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट इज हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस इज सेम, ये मेटाबॉलिक डिजीज ही है, ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द आयरन विच कैन बी डिपॉजिटेड इन द लीवर अलॉन्ग विद लीवर वेरियस एंडोक्राइन ऑर्गन, या हार्ट के अंदर भी ये डिपॉजिट होता है और लीवर के अंदर ये सीएलडी काज करता है। सो VWH, सो वी हैव कवर्ड द एच। देन वी हैव अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन इज एक्चुअली एंटी प्रोटीएज। एंटी प्रोटीएज का फंक्शन क्या होगा कि ये जो प्रोटीएज एंजाइम होगा उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, प्रोटीएज को इनहिबिट करता है। अगर अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो तो ये जो प्रोटीएज होगा ये इनहिबिट नहीं होगा, तो प्रोटीएज जो है ओवर डाइजेशन करेगा प्रोटीन की, और ये दो ऑर्गन्स में इन्वॉल्व करता है, लंग्स एंड लिवर। इन द लिवर इट कॉजेज सी एल डी, एंड इन लंग्स इट कॉजेज पार्ट ऑफ सीओपीडी, इम्फाइसीमा। सो पेशेंट हु इज प्रेजेंटिंग विद पल्मोनरी एज वेल एज लीवर सिम्टम्स आर सी एल डी, देन वी कैन सस्पेक्ट दैट कॉज कुड बी अल्फा वन एनी एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी। चूंकि सी एल डी इज वेरी ब्रॉड टर्म, उसके अंदर बहुत सारी इटियोलॉजीज हो सकती हैं जिसको आपने डायग्नोज करके उस इटियोलॉजी को फाइंड करना है। ओके, देन वी हैव टू थिंग्स, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कॉलेंजाइटिस एंड प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। ये बोथ जो डिजीजेस हैं दे बोथ अफेक्ट बिलियरी ट्रैक। ओके, दे बोथ अटैक द बिलियरी ट्रैक। व्हाट हैपेंस इन प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कॉलेंजाइटिस? इन प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कॉलेंजाइटिस इट एस कैन बी रिमेंबर्ड एज सन, सो इट अकर्स मोर कॉमनली इन मेल्स, इट मेनली अकर्स इन मेल एंड इन्वॉल्व बोथ इंट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम विच इज प्रेजेंट विद इन द लीवर एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। ठीक है, ये दोनों को इन्वॉल्व करेगा और उनकी नर्विंग, ल्यूमेंस की नर्विंग और थिकनिंग काज करके ये डैमेज करता है लीवर को, एंड इट इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद आईबीडी एंड मेनली अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ आके, दैट इज प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। इन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस इट मेनली अकर्स इन फीमेल एंड इन्वॉल्व्स ओनली द इंट्रा हेपेटिक पार्ट एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद आईबी। So that's all about the pathogenesis of both these diseases. Then we have the alcohol, which directly damages the liver. Alcohol can damage the liver. And ये हमारे पास अभी due to the obesity, आपकी या sedentary lifestyle, fat content body के अंदर ज्यादा हो जाता है, वो fat जाके liver के अंदर या different tissues के अंदर deposit होता है, और ये नॉन अल्कोहल, विदाउट अल्कोहल जो है ना वहां पे फैट की डेपोजिशन होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अगर हम ओबेसिटी को रिवर्स करते हैं तो ये रिवर्स हो जाती है, बट इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये चूंकि फैट या ओबेसिटी या सेडेंटरी लाइफ की वजह से फैट कंटेंट ज्यादा हो रहा है, इस वजह से ये इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द VW हैपेंस व्हिच इज अ निमोनिक, और उसकी हमने डिफरेंट पैथोजेनेसिस देखी है। इसी सीक्वेंस में हमने इनकी इटियोल इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन को भी देखना है।